सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आगे बेच रहेंगे। तो कैसे, मेरी 1 बजे रात को नींद खुली थी और मैंने देखा कि मेरे 80,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो यार, मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ स्पेशल करते हैं। तो यार मैं आज अपने चैनल पर व्लॉग लेके आ रहा हूँ और यार इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सुबह ही सुबह प्लान बनाया था कि मैं व्लॉग लेके आऊँगा और यार आज आप लोग को हर एक रूटीन दिखा दूंगा और मैंने किसी को भी नहीं बताया है, आप लोग को भी नहीं पता होगा कि मैं व्लॉग लेके आने वाला हूँ। तो यार आज मैं पूरे दिन भर में क्या करता हूँ वो सब कुछ आज आपको दिखाऊंगा। सो यार अभी मैं जा रहा हूँ, अपना फेस वॉश वगैरह करता हूँ क्योंकि मैं अभी अभी उठ रखा हूँ और मेरे चेहरे की हालत बहुत बेकार हो रखी है और मेरे को स्कूबी को वॉक में लेके जाना है और दूध भी लेके आना है। तो यार हम लोग मिलते हैं अभी बाहर। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर और यार हम अपने स्कूबी को वॉक पे लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही है, मैंने आप लोग को बताया था कि यार मैं एक विलेज एरिया में रहता हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ मैं। यार आप लोग पहाड़ देख सकते हो उत्तराखंड के, आप लोग को दिख रहे होंगे। और ये रहा हमारा स्कूबी। और आप लोग सोचोगे यार मैं व्लॉग बना रहा हूँ और अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, तो यार उसकी वजह ये है क्योंकि पीछे से सन की रोशनी आ रही है तो यार मेरा चेहरा आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। तो यार स्कूबी का दोस्त आ चुका है, आप लोग देख लो, इसका नाम है बंटी। ये मतलब इतना कुत्ता है यार, ये साला मेरे को काटना आता है। जब भी मैं स्कूटी या तो बाइक से कहीं जाता हूँ तो ये मेरे को ही काटता है साला। सो गाइस, जितने भी लोग उत्तराखंड में रहते हो या तो उत्तराखंड कभी ना कभी आए हो तो यार आप लोगों ने इस तरीके के खेत तो देख ही रखे होंगे। तो यार अभी इसमें लग रखी है सरसों और यार इसमें अभी कुछ दिनों में लग जाएंगी वीट यानी कि गेहूं। और ये मेरा कुत्ता यार, इसने मेरे को इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है, मेरे को इधर उधर खींचता रहता है और झाड़ियों में जाता रहता है। और यार मैं क्या बोलूँ आपसे, मतलब देखने का इतना सुंदर है लेकिन इसकी हरकतें सुंदर नहीं है गाइस। आप लोग इसकी भोली वाली शक्ल में मत जाना। और क्या बताऊँ मैं, इसने मेरे हाथ में चिंगारे पाड़ दिए हैं, क्या बताऊँ भाई, मेरी उंगलियाँ छील दी है इसने, गुर्दे छील दिए हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हो यार मैं किस तरीके के इलाके में रहता हूँ यार। आप लोग को यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं गुल, आप लोग नहर बोल सकते हो उसको, पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं। और ये मेरा कुत्ता अंदर घुस गया है, बाहर निकल, बाहर निकल। और गाइस यार आप लोग को मेरी वॉइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा तो यार उस चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यार फ़ोन में इसी टाइप की क्वालिटी रिकॉर्ड हो सकती है। और मैंने सोचा था कहाँ यार मैं एक सीरियस सा व्लॉग शूट करूँगा जिसमें कोई भी बकचोदी नहीं होगी, लेकिन यार क्या करें भाई, ज़िंदगी में ऐसी बकचोदी है भाई, बिना बकचोदी की तो ज़िंदगी चलती है नहीं मेरी। तो यार जैसी ज़िंदगी है वैसी दिखाऊंगा, कोई हाई फाई वाली नहीं दिखाऊंगा। और ये मेरा पागल सा कुत्ता साला इधर उधर डोल रहा है, इसको कुत्तिया की तलाश है। आपको भी पता है सुबह सुबह क्या करने का मन करता है कुत्तों को, घप्पा घप्पा। 2 hours later। और गाइस अगर आप लोग को मेरे डेली इसी तरीके के व्लॉग्स देखने हैं तो यार मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रखा है। अबे कुत्ते बाहर निकल। तो गाइस सर अगर आप लोग को मेरे डेली इसी तरीके के व्लॉग्स देखने हैं तो यार मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रखा जिसका नाम है लूफी ओपी व्लॉग्स। तो यार उधर पर जाके उसको सब्सक्राइब कर देना, आप लोग को डेली इसी तरीके की पकचोदी वाले व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अभी ये भड़वा घर जाने को मनसा नहीं रहे, अभी चल दे यार, चल देना, चल घर चल, ये नहीं आएगा गाइस यार, मेरे को उसको गोद में उठा के लेके आना पड़ेगा यार, रुक जाइए। 2000 years later। और गाइस यार आप लोग को लग रहा होगा कि आप व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ या तो स्कूबी कर रहा है, तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ ये साला स्कूबी अकेले में पूरी फुटेज खाना चाहता है। मैं जब भी अपना फेस कैम करने की कोशिश कर रहा हूँ ये मेरे को इधर उधर खींचने में लग रखा है। और अभी ऐसे खड़ा है एकदम शांत जैसे कि यार इसने कुछ किया ही ना हो। मैं असल में आपको बताना चाहता हूँ इस बंदे ने मेरी क्या क्या मान ली मैं आपको बता नहीं सकता यार गाइस। तो यार अभी मैं इसको घर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आने को तैयार नहीं हो रखा है यार, देखिए मेरे को रोक रहा है बीच बीच में। चल दे भाई दूध पिलाऊंगा, आ जा चल दे। ना भाई इसको दूध भी नहीं चाहिए, भाई क्या चाहिए, क्या लेके मानेगा, गांड दे दो। सो गाइस यार फाइनली अब मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और यार मैं अभी अपने घर के बैकयार्ड पे हूँ। और यार आपको मेरे घर में इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा आम के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, टोटल 6 आम के पेड़ है। तो यार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे घर में आ रहे हो भले ही आपको सांस लेने की दिक्कत पड़ जाए, पानी की दिक्कत पड़ जाए, लेकिन यार कभी भी आपको आम की दिक्कत नहीं पड़ेगी। इतने आम खा चुका हूँ मैं ज़िंदगी में कि यार आजकल मैं सुबह सुबह आम ही हकता हूँ। सो गाइस सर आज का व्लॉग मेरा काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, लेकिन यार मैं आपको एक बात का दावा दे सकता हूँ, जिस तरीके की व्लॉगिंग मैंने करी है, जितने नशे आज मैंने आपको अपने व्लॉग में कराए हैं कोई और व्लॉगर नहीं करा सकता, इत्यादि हंसी आज आपको आई होगी। अरे यार ये क्या है गाइस, इनकी खिड़की देखो और ये मेरे रूम की खिड़की, इसका मतलब समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो, अगर मेरे घर के सामने एक अच्छी सी साक्षी सी कोई लड़की आती है तो यार मैं ये गाना गा सकता हूँ, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो यार आप लोग समझते हो गाइस इस बात का मतलब, यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार मेरे पड़ोस में कोई लड़की ढंग की रहती ही नहीं है साला, यार देखने का मन तक नहीं करता, हट। गाइस सर आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मानता हूँ यार काफ़ी छोटा सा व्लॉग है, लेकिन गाइस यार आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल की लिंक दे रखी है, उसको जाकर अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो यार आप डेली देख सकते हो इसी तरीके के फनी व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा। तो यार गाइस मैंने एक चीज़ देखी है, अभी आपको दिखाता हूँ।
सो गाइस ये रहे हमारे आज के व्लॉग के हीरो यानी कि स्कूबी। यार इसने इतनी कोशिश करी ताकि मेरा व्लॉग ना बन पाए। यार स्कूबी तेरे लिए मेरे पास एक इनाम है, दिखाऊं क्या? स्कूबी मैंने व्लॉग बना दिया है भड़वे।